छाँव में, सुनहरी धूप के छाँव में, अब हमको तो रहना है गाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, क्यों जाना है शहरों की अब गलियों में, जब गलती है सोना धरती गाँव में, करके अपना सीना चौड़ा, करनी मेहनत अब गाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। स्वच्छ रखेंगे परी बेशमारा, ओ बेटी भी है भविष्य हमारा, मुँह क्यों मोड़े थे ये जग सारा, भेदभाव से सब नाता तोड़ो, नारी शक्ति को पहचानो, नारी शक्ति को पहचानो, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। रामेश्वर चाचा अपनी जमीन देंगे? एक बार कह के देखेंगे उनकी जगह की क्या कमी है। खाने वाले लोग सिर्फ 3 पूल के किनारे वाले जमीन पर कुछ खेती भी नहीं करते। और दिनेश और राजन, वो क्या हमारे साथ काम करेंगे? एक बार बोल के देखने में क्या नुकसान है। वो लोग रास्ते बनाने का काम करके अच्छे पैसे कमाते हैं, यहाँ खेती करने क्यों आएंगे? खेती ना करे लेकिन वो बड़े ही पैसे के लालची है। मुझे लगता है कि अगर हम उनके जमीन भाड़े पे ले या जमीन के बदले में हम फसल देने की बातें करें तो शायद हमें उनकी जमीन मिल जाए। मुझे तो कुछ आशा नहीं दिख रही है। कल मीटिंग में रामेश्वर सासा से भी 2-3 बात कहलवाना चाहिए था। मैंने कहा था उनसे कहने को लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। तब तो चलो ठीक है। ठीक है, मैंने बॉयलर मुर्गी का फार्म खोलने के लिए जो बात कही थी उसका क्या होगा? एक साथ मिलकर करेंगे। हम लोग एक साथ 5 काम शुरू करेंगे। कल सबने हमारे सहायता करने की बात कही है लेकिन देखना इस तरह से मिलकर शुरू करने वाले कामों में कई मुश्किलें आते हैं। कितने लोग बात सुनाएंगे, गलतियां निकालेंगे, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। हमें कायदे कानून लेन देन की बातों को सही ढंग से प्रस्तुत करना है रंजीत। रुक, पहले जमीन का मसला हल हो जाए, तब हमें जमीन के लिए बराबर कितना खर्चा होगा पता चल जाएगा। रामेश्वर साचा की पुल के पास की जमीन तो शायद 10 बीघा तो होगा ही ना? हाँ हाँ, उतनी तो होगी। वो जमीन अगर मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा होगा, वहाँ फसल बहुत अच्छी होगी। बॉयलर का फार्म भी
हम वही बनाएंगे। वो बुद्धा बहुत ही लालची है, एक ही लड़का है और उनकी पत्नी भी मर चुकी है। राजन उसके साथ रहता है, उसे कहां उसके संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। इतने बड़े संपत्ति का मालिक होते हुए भी ये बुद्धा बहुत ही लालची है। चल चल बुड्ढे से मिलके आते हैं। कल करे सो आज, आज करे सो अभी। चल हम लोग अभी चलते हैं। हाँ चलो। जीना तुम लोग रुको, हम लोग आते हैं। ठीक है, एक मिनट रंजीत दा, लता तामुल। रंजीता और राजीव तो चाचू के घर गए हैं ना? हाँ, अब देखते हैं रामेश और चाचा क्या बोलते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चल 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 जाओ जाओ, अरे जाओ, चाहता नहीं है। नंदो कैसा है? ठीक है ठीक आओ, है आओ बैठो बैठो। हाँ 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 हम खुद ले लेगा। हाँ बैठो। अरे कैसे हो तुम? मैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ अच्छा, कल मीटिंग में रेडियो सुनने को कहा, इसीलिए तुम हर वक्त रेडियो सुनेगा क्या? अरे ओ मीठा राम, दिन में खेती के बारे में कार्यक्रम नहीं आता है, शाम को सुनना भाई। अरे मैं कल तुलीराम के दुकान से उधार में बैटरी लेके आया हूँ। हाँ? मैं सिर्फ खेती के बारे में नहीं सुनूंगा, हाँ मैं गाना भी सुनूंगा। हमारा रेडियो खराब है। अच्छा? अरे ठीक करवाना पड़ेगा भाई। आज के बच्चे अगर अच्छा सोचते हैं, वो समाज आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। ठीक कहा, वो जो रंजीत है ना, वो मन का बड़ा ही सच्चा है, वो बाकी लड़कों को भी अच्छा ही सिखा रहा है। उस दिन बातों बातों में मेरी बेटी पुतुमाई ने कहा, क्या
कि वो तुम्हारे बेटी को पसंद करता है। अच्छा, मेरे मन में भी ऐसी कुछ बातें आई थी। वो भी बिन माँ की बच्ची है, अगर रंजीत के साथ रहेगी तो मैं भी बेफिक्र हो जाऊंगा। सब भगवान की इच्छा है। बहुत ही अच्छा होगा। मैंने तुम्हें इतना अच्छा खबर सुनाया, अब तो चाय पिलाना ही पड़ेगा। अरे घर तुम्हारा है, अरे मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ। अरे चाय तो तुम्हें मुझे पिलानी चाहिए। अरे घर के चाय में मिठास कहाँ? क्या मीठा राम के घर की चाय में मिठास नहीं? ऐसे खबरों के लिए घर की चाय अच्छा नहीं लगता। हाँ, होटल में पीना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, मदन के होटल में चलो। हाँ, वहाँ पर दोनों मिलके चाय पीकर हाँ, आते हैं। चलो चलो ये चलो, इसे साथ में लेके चलते हैं। चलो हाँ, चाय पी के रेडियो भी सुनूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। चलो चलो दोनों चलो। ठीक है ठीक है चलो। ठीक है पिताजी, अब हम चलते हैं। बेटा ज्यादा दिन मत लगाना। ठीक है पिताजी। अच्छे से जाना। ठीक है मामा जी। संभाल के रहना, ठीक है? कहीं जा रहे हो क्या दिनेश? गुवाहाटी जा रहा हूँ। ठीक से जाना, अपना ध्यान रखना। चलता हूँ पिताजी। हाँ बेटा। अच्छा मामा जी, चलते हैं। बन जा, समझ के आना। ठीक है। जा बेटा। तुम सब एक साथ आपसे ही मिलने आए थे ताऊ जी। आओ। कल तुम लोगों का मीटिंग बहुत अच्छा हुआ। ताऊ जी, आप अपनी तरफ से अगर दो शब्द कहते तो हमें और अच्छा लगता। फुकन ने तो सब कुछ कह ही दिए थे। बहुत ही अच्छा प्रस्ताव दिया, अच्छा सुझाव दिया। मैं और क्या बताऊं, वैसे कल मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। अच्छा बताओ, तुम लोग किस काम से आए हो? आप हमारे गांव की प्रधान व्यक्ति हैं, सब आप ही की सुनते हैं। हम भी आपके आशीर्वाद लिए ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपका सहायता ना मिले तो हमारा सपना अधूरा ही रह जाएगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर आप नहीं कर सकते तो सारे गांव में करने वाला कोई नहीं। ठीक है बेटा, कहो। चौराहे के पश्चिम की तरफ पुल वाले जमीन पर तो आप खेती नहीं करते हैं। आप अगर हमारा कुछ सहायता करें तो हम हमारा फार्म उसी जमीन पर कर सकते हैं। फसल के साथ मुर्गी के फार्म भी हम वही खोलने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने ठीक ही सोचा था। तुम लोग यहाँ इकट्ठे आए हो तो पिताजी से कुछ न कुछ अपना मतलब निकालने आए हो। देखा राजेन, हम लोग वापस आकर कितना अच्छा काम किया। दिनेश, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर मैं क्या बोलूं? हम तो सिर्फ तुम लोगों को जो करना है वो करो, मगर जमीन मत मांगना। कमाल है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे इन लोगों ने इलेक्शन के समय पर मेरी इतनी मदद की। अरे देखो बेटा, ये लोग कुछ सहायता मांगकर मेरे पास आए हैं। अभी तक तो मैंने कुछ हाँ ना कहा ही नहीं। सुनिए पिताजी, मेन रास्ते से गांव के चौराहे से होकर हमारे जमीन के बीच से बाईपास वाला रास्ता सैंक्शन हुआ है। ये बात शायद आपको पता नहीं होगा, मैं किसी दूसरे विषय पे सोच रहा हूँ। बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं गुवाहाटी क्यों जा रहा हूँ आपको शायद ये बात पता ही होगा, इसलिए आप जल्दबाजी में कोई भी बात मत कीजिए, विशेषकर जमीन के बारे में। तू बिना कारण हमें बुरा भला सुना रहा है दिनेश। तू दूसरों के जमीन पर खेती कर जा, तुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हम जमीन के बदले अच्छे पैसे देते। भिखारी, पैसे का आरोप किसे दिखा रहा है? पहले खुद की हालत देख, हमें पैसे दिखाता है? निकल जाओ मेरे घर से। अरे कामयाबी है अन्नदाता की,
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उसे वहीं पे पीटना चाहिए था, तूने मुझे क्यों रोका? पैसा और लालच उसके सर पे नाच रहा है, और वो हमारा साथी भी है। वैसे तो वो इतना बुरा भी नहीं है। पैसे की अहंकार ने उसे बिगाड़ दिया है। हमने उसे साथी समझकर छोड़ दिया, लेकिन दूसरे होते तो कभी नहीं छोड़ते, और वहां वो बुरी तरह पिटेगा। तुम लोग इतना गुस्सा मत हो, अभी चलो बहुत काम है। ठीक है, धान और बैंगन की खेती हम लोग डेवन, रोबिन, गोबिन और जीतू के लोगों के जमीन पर करेंगे। तुलसीराम और राधिका ताई के जमीन पर हम लोग सरसों की खेती करेंगे। लेकिन तेरे मुर्गी का फार्म का क्या होगा? तूने तो उसके लिए काफी सोच भी रखा था ना? फार्म के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है। तेरे मेरे और जीना की जमीन पर हम हाइब्रिड धान की खेती करने के बारे में सोच चुके हैं। पुतु माई के घर से एक स्वर के फार्म के बारे में पूछ रहे हैं। एक साथ इतना कुछ कर पाएंगे क्या? ना कर पाने वाली कौन सी बड़ी बात है, थोड़ी परेशानी होगी लेकिन हम कर लेंगे। सबका साथ हो तो फिर क्या चिंता है। और जमीन स्वर के लिए फार्म के पास पोखर या तालाब का होना अच्छा था। पोखर है मोहन के जमीन पर, मुर्गी और सुअर का फार्म एक साथ होने से अच्छा था। मोहन अपनी जिद पर ही अड़ा है, वो सिर्फ जमीन ना देने की ही बात करता है। लास्ट एक ही उपाय है। मोहन की जमीन का? हाँ। क्या? रजिता बाई। अरे तुम लोगों का हुआ कि नहीं? जाओ अपने घर जाओ, नहीं तो तुम लोगों की औरतें ढूंढते यहाँ आ धमकेगी। जाओ जाओ। जैसे चलो। आशा मैं भी चलता हूँ। हाँ मोहन, जरा रुको तो, दो बातें करनी थी तुमसे। अब मैं चलता हूँ, बहुत रात हो चुकी है। और थोड़ा बैठो ना, तू भी अकेले रहने वाला है और मैं भी। घर जाकर तू क्या करेगा? क्या करूँगा, वही करूँगा जो हर रोज करता हूँ। दिन को चावल पकाए थे वो खा के आराम से अच्छे लड़के की तरह सो जाऊंगा, और क्या करूँगा। तू तो अच्छा ही है रे, बीच बीच में लोगों की बातें सुनकर तो उल्टा पुल्टा करता है। मैं उल्टा पुल्टा करता हूँ? मैं? रजिता, तेरे बात आज मुझे कुछ अलग अलग सा लग रहा है।
ठीक है चला जा, तुझे तो मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। क्या तेरी बात मुझे अच्छी नहीं लगती है? मुझे? तब तो तू रुक, मुझे कुछ बातें करनी है तुझसे। मेरी बातें सुनकर तू झट चला मत जाना। ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। ये ले, मैं अब ये ले बैठ गया। अब बता तुझे क्या बात करनी थी। तेरी औरत और तेरे 2 महीने का बच्चा जब बीमार पड़ा था तो गांव वालों ने तेरी बहुत मदद की थी, तुझे याद तो है ना? तो अब क्या हुआ? अरे पुरानी वाली बात क्यों याद दिला रही है? मैं याद नहीं दिला रही हूँ, बस बता रही हूँ। मुझे सब याद है। नहीं नहीं तू सब कुछ भूल चुका है। तू भूल चुका है कि जब तेरी बीबी और बच्चा अस्पताल में पड़ा था तो तेरे साथ कौन अपनी नींद उड़ाई थी, शहर से कौन डॉक्टर पकड़कर तेरे घर तक ले आया था। तू सब कुछ भूल चुका है। वो रंजीत के मदद में कैसे भूल सकता हूँ रजिता? तेरी बीबी और बच्चे की मौत के समय पर अस्पताल से लेकर अंतिम संस्कार तक सारा काम उसने ही किया था कि पंचायत के सभापति के बेटे ने किया था? गांव वालों ने कभी भी तेरा साथ छोड़ा है क्या? बोलो। पुराने बातों को अब तू क्यों छेड़ रही है? आज वही रंजीत कितना अच्छा काम करने जा रहा है, यही गांव वाले उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन तू उनका साथ नहीं दे रहा है। दिनेश तुझे शराब पीने के लिए पैसा देता है इसीलिए। जमीन तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताऊं, एक तरफ अपने बेटे को खोने का गम और दूसरी तरफ तुम लोगों के सामने बड़ा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही दुखी हूँ। उन सब बातों को भूल जाइए ताऊ जी। अरे नहीं बेटा, उसके मौत कैसे हुई ये मैंने किसी को नहीं बताया, और बोलू भी तू क्या बोलू? एक्सीडेंट होकर? ये तो मैंने कहा था तुमसे, लेकिन बात कुछ और ही है। हेरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, अब हमको तो रहना है गाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में।